टिकट टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बस पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो वार्म अप मैच हुआ, इसमें पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा ब्लंडर्स किए, उनके बॉलर्स ने इतने ज़्यादा रन्स दिए कि ये वर्ल्ड कप में जाकर क्या करेंगे। अभी वार्म अप मैच में इतनी इनको मार पड़ी है, इतने रन्स इनको पड़े हैं, और फिर ICC T20 वर्ल्ड कप के जो असल मैचेस होंगे वहाँ पे जाके ये हमारे स्पेशल सो कॉल्ड बॉलर्स क्या करेंगे जो पर्ची के आए हुए हैं। यहाँ पर अजीब, पता नहीं क्या अजीब सी कोई बॉलिंग करा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रही। वेंडर डसन को उन्होंने मौका दे दिया कि वो 100 बना ले, और वो नॉट आउट थे 51 बॉल्स पे, 101 रन बनाए उन्होंने। 7 ओवर्स में 88 रन चाहिए थे इनको, उन्होंने बना दिए भाई। 3 ओवर में 57 रन बनाया उन्होंने, और सिर्फ और सिर्फ वेंडर डसन की वजह से। उन्होंने एक सेकेंड एबी डी विलियर्स की झलक नजर आ रही थी, हमें लग रहा था जैसे कुछ सेकेंड एबी डी विलियर्स है जो भाई यूं 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 करके सिक्स फोर्स मारे जा रहा है, और भाई अपनी टीम को उसने मैच भी जितवा दिया, और भी एक ब्लिस्टरिंग एक सेंचुरी भी मारी अपनी टीम की तरफ से, और दिखा दिया भाई वार्म अप मैच में भी मैं ऐसा हूँ, और मैचेस में जाकर भी मैं ऐसा ही हूँगा। वैसे वेंडर डसन अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और उनकी फॉर्म अच्छी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छी परफॉर्मेंस, हर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देता है भाई पाकिस्तान के खिलाफ। पहले हमारी बॉलिंग असल स्ट्रेंथ होती थी, अब बॉलिंग यूं नीचे की तरफ जा रही है हमारी बॉलिंग। हम सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की तरफ जाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ हम बॉलिंग की ही वजह से जाने जाते थे। अब हम बैटिंग हमारी ऊपर हो रही है तो बॉलिंग भी ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ ऊपर हो रही है एक चीज़ नीचे हो रही है, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। जिस चीज़ में भी बैलेंस होगा वो हमेशा चीज़ सही रहेगी। खैर, सबसे पहले जो पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, नो डाउट फखर जमान फखर पाकिस्तान भाई स्टिल जीत लिए। आज उन्होंने हार्स जीत लिया, हालांकि वो आउट भी नहीं हुए थे। उन्होंने 52 रन बनाए 28 बॉल्स पर, यूं ऐसे अबू धाबी की नस्ली 2 पर यूं करके सिक्सेस मार रहे थे, और स्पिन को तो क्या उन्होंने स्वीप शॉट पे सिक्सेस मारे, उफ भाई देखने लायक थे उनके सिक्सेस। और दिखा दिया भाई मैं वो प्लेयर हूँ जिसने आपने मुझे रिजर्व में डाला था, और अब जाकर आपने मुझे टीम में रखा है, तो फिर मैंने आपको परफॉर्मेंस करके भी दिखाया। दोनों वार्म अप मैच में उन्होंने 40 50 में ही रन्स बनाए हैं, और इंशाल्लाह अगर इंडिया के खिलाफ खेलेंगे ये नंबर 3 पर भी ये परफॉर्म करके दिया। हालांकि ये ओपनर आना चाहिए, मोहम्मद रिजवान की भी कुछ खास फॉर्म नहीं जा रही, उनको नंबर 3 पे भेजे ताकि मिडिल ऑर्डर भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मोहम्मद रिजवान को अपने नंबर 3 पे करना चाहिए, फखर जमान को ओपनिंग पे करें। फजूल में इतना पावर प्ले ये जाया कर देते हैं, पूरा का पूरा 36 रन बने हुए थे पावर प्ले में, इतने से रन होते हैं कोई पावर प्ले में बनाने में। खैर, बाबर आलम तो आउट हो गए थे यॉर्कर पे, केजी से रबाडा के वो तो खैर है, लेकिन मोहम्मद रिजवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ओपनर थे दूसरे, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप पावर प्ले में अच्छे स्कोर बनाए, कम से कम 40 या 50 तक तो बना देते। अगर आपने इंडिया या फिर ऐसी कोई बड़ी टीम के खिलाफ किया तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा आप डेंजर में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप डेंजर में आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा आप रेड जोन में आ जाएंगे अगर आपने पावर प्ले को सही से यूज़ नहीं किया, क्योंकि पावर प्ले के बाद उनके खतरनाक स्पिनर्स आ जाएंगे, और वो रविचंद्रन अश्विन से वैसे वो पावर प्ले में ही ओवर्स करा रहे हैं, पहला या दूसरा ओवर्स वो उनसे ही करवा रहे हैं, नई बॉल्स वो बहुत अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं, कैरम बॉल ऑफ स्पिन सब उनके पास है, और आपको बचने के लिए उनसे और ज़्यादा रन बनाने के लिए आपको फखर जमान को ओपनिंग पे भेजना होगा। दोनों के दोनों मैचेस हुए वार्म अप मैचेस में, दोनों में मोहम्मद रिजवान फेल हुए। खैर, हमारा जो टॉपिक है असल जिसपे हमें बात करनी है वो बॉलर्स पे। बैट्समैन ने तो नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया, आसिफ अली भी फॉर्म में आ गए, शुएब मलिक ने भी परफॉर्मेंस दिखाई, मोहम्मद हफीज इन फॉर्म में नहीं जा रहे। हमारे लिए जो ये आउट ऑफ फॉर्म है हमारे लिए सबसे बड़ा ये एक खतरा है हमारे लिए, क्योंकि मोहम्मद हफीज का फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। लेकिन अगर शुएब मलिक नीचे से आएंगे नंबर 5 पे तो वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और आखिर में आसिफ अली आएंगे तो वो भी थोड़े बहुत सिक्सेस फोर्स मार लेते हैं। शुरू के 10 बॉल्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे आसिफ अली, लेकिन फिर ऐसे उन्होंने मारे सिक्सेस फोर्स, उन्होंने 20 बॉल्स पे 32 रन बनाए, और फजूल में उन्होंने वो रैप शॉट खेलना चाह रहे थे वो, लेकिन वो नहीं खेलते तो फिर वो आराम से स्ट्रेट का शॉट मारते, उनकी स्ट्रेट के शॉट्स लग भी रहे थे तो स्ट्रेट के शॉट ही मारना चाहिए था उनको। खैर, जैसे बैटिंग की पाकिस्तान ने एक अच्छा टारगेट सेट किया,
क्योंकि 66 रन थे इनके 10 ओवर्स में, इतने 10 ओवर्स में आखिरी 120 रन तक इन्होंने बनाए। और असल जो रोल अदा किया वो फखर जमान, शुएब मलिक, आसिफ अली, इन तीनों ने जो रन बनाए आखिर में वो भी अच्छे बना दिए। खैर शुएब मलिक ने 20 बॉल्स में 28 बना दिए, फिर भी वो जमे रहे क्रीज पर फखर जमान के साथ, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, अभी आसिफ अली के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। ये नो डाउट पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग हो रही है, माशाल्लाह से बैटिंग में कोई इनकी कमी नहीं है, बैटिंग में ये पूरे के पूरे इनके गैप्स फिल हैं सारे। फिर बॉलिंग के ऊपर जो बात कर लेते हैं कि बॉलिंग में तो भाई इतना उन्होंने कोई ख़राब बॉलिंग करा दी आखिर में, पेसर्स ने ही काम ख़राब कर दिया, शादाब खान भी कोई ख़ास फॉर्म में नहीं जा रहे, सबके सब पर्चे भरे हुए पाकिस्तानी टीम में। समझ में नहीं आता मुझे कि जो भी इनके गैंग में आ जाता है, जो ये ग्रुप बनाते हैं ये रोटी गैंग के नाम से, जो भी इनमें से आ जाते हैं उन्हीं को ही ये टीम बनाएंगे। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, इन दोनों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस क्रूशल मोमेंट पर। चलिए मोहम्मद आमिर ने तो रिटायरमेंट से वापस ही नहीं ली, चलो छोड़ दें उनको तो इनका तो केस ही अलग, उनका तो किस्सा ही अलग है। असल जो थे वो वहाब रियाज थे, वहाब रियाज को आपको स्क्वाड में लाना चाहिए था, क्योंकि वहाब रियाज द ओनली बॉलर पेसर जिनके 150 का भी पेस आता है और वो एक ही लेंथ पे बॉल करते हैं डेथ ओवर्स में, डेथ ओवर्स के वो स्पेशलिस्ट बॉलर है जिसके मैं सोच भी नहीं सकता था, जिन्हें अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, और आपने उनको टीम में नहीं रखा, सबसे बड़ी बुरी बात है। अगर चले आपने उनको टीम में ही नहीं रखा, चले छोड़ दें आप, वहाब रियाज को भी आपने टीम में रखा ही नहीं। शाहनवाज धानी का क्या कसूर था, आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने नेशनल टी20 कप में, पीएसएल के अबू धाबी लेग में, सब में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लीडिंग विकेट टेकर पीएसएल के, इतनी अच्छी वो इकोनॉमी भी उनकी 6 से बिलो, डेथ ओवर का भी अच्छा बॉलर, भाई सब क्वालिटीज है, यॉर्कर बाउंसर सब है उनके पास, सब है उनके पास, फिर क्यों आपने उनको स्क्वाड से निकाला और रिजर्व में रखा है। अभी शाहनवाज धानी को कम से कम वार्म अप मैच में तो खिला देते, परमिशन थी, आईसीसी ने परमिशन दी थी कि आप रिजर्व प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं, लेकिन आपने खिलाया नहीं, क्योंकि आपने प्लान बनाया था कि भाई हमने तो इनको प्लेइंग 11 में खिलाना ही नहीं है। मोहम्मद वसीम से भी आपने खाली 2 ओवर्स करवाए, 20 रन दिए उन्होंने, और एक और ओवर आप करवा देते थोड़ा तो अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी इतनी 10 की इकोनॉमी से जा रहे थे, उन्होंने सोचा होगा फिर और ये रन देगा ये फजूल में, फिर चलो ठीक है ये भी सही किया डिसीजन। लेकिन आपने इमाद वसीम को क्यों नहीं भेजा, जिन्होंने 3 ओवर्स में 19 रन देकर 2 विकेट्स, आपके ओपनर्स 2 ही विकेट्स पे निकाले थे उन्होंने, 2 के 2 ओपनर्स को आप इन्होंने आपके आउट किए थे इमाद वसीम ने, और आप ये भूल गए बाबर आजम, ये भूल गए बस, ये बस जो भी करते हैं रन बनाते हैं वो क्लैपिंग 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 करते रहते हैं और बोलते हैं चलो ठुईगा कोई बात नहीं, खराब बॉलिंग, ऐसा नहीं होता, आपको दिमाग से करनी होती है कैप्टनसी, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अभी भी ये वेकअप कॉल है, अभी भी ये डेंजर कॉल है, अभी ही ये मिस्टेक्स को अपनी करेक्ट कर लें, हारिस राउत को रिजर्व में डालें, कोई तो कोई बेकार बॉलर, कोई बस समझ से बाहर है कैसा बॉलर है भाई, मुझे समझ से बाहर है। 10 से अब की इकोनॉमी से हर मैच में वो रन देता है, हर इंटरनेशनल मैच में, कोई ऐसा मैच भी नहीं गया जिसने उसने परफॉर्मेंस दिखाई हो, कोई ऐसा मैच भी नहीं था जो भाई वार्म अप मैच में भी चांस दे दिया तब भी फेल हो। खैर पहले वाले में तो विकेट ही स्लो थी, दिन में ही था, अब ड्यू फैक्टर आ गया था, आपको ये चेक करना था कि ड्यू फैक्टर में आपके बॉलर्स कैसे बॉलिंग करते हैं। स्पिनर भी फेल हो गए, लेकिन इमाद वसीम फेल नहीं हुए, उनका आपने एक ओवर करवा दिया, लेकिन शादाब खान से आपने पूरे ओवर्स करवा लिए, जिन्होंने आखिरी ओवर में पूरे की पूरा काम ही खराब कर दिया, 20 से अप में उन्होंने रन्स दे दिए आखिरी ओवर में, 35 रन्स दिए उन्होंने 4 ओवर में, हारिस राउत ने 3 ओवर में 33 इतने रन्स दिए, और हसन अली ने तो भाई सारी ही बॉर्डर्स क्रॉस कर ली उन्होंने, खैर वो तो परमानेंट बॉलर ही है, एक आध मैच में हो जाते हैं ये कोई बात नहीं, जो मैं उनकी बात करूं जो हर मैच में 10 से अप की इकोनॉमी से रन देते हैं, उनको भाई आपको निकालना चाहिए स्क्वाड से, उनको थ्रो करें स्क्वाड से, और शाहनवाज धानी जो वेल डिजर्विंग जो प्लेयर है स्क्वाड में उनको आपको लाना होगा, और अभी भी टाइम है, प्लेइंग 11 पर उनको रख दें, स्क्वाड में रख दें, और हारिस राउत को रिजर्व में डाल दें, कोई मसला नहीं है, रिजर्व प्लेयर्स में उनको रख दें, रिजर्व प्लेयर्स में वो काम आ सकते हैं। अभी आपके पास वार्म अप मैच चेक करने के लिए था, आपने अपने बॉलर्स को चेक कर लिया, अगर आपने फिर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में उनको खिला लिया तो तब तो आप गए, पक्का पक्का आप जाएंगे, अगर आपने हारिस राउत को खिला लिया, चले आप शाहनवाज धानी को खिलाए नहीं, मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लें, वो फिर भी एक बैटर और विद द बैट भी ऑप्शन एक आपके पास और इंक्रीज हो जाएगा, तो उनको खिला लें आप, जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो खैर खेल ही रहे, क्योंकि भाई वो तो बस जो भी
परफॉर्म करे या ना करे, बस उसी को ही वो चांस देते रहते, समझ में नहीं आता कि मैनेजमेंट का बस कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करते क्या है। जो बॉलर सबसे ज्यादा रन देते हैं उन्हीं को ही वो खिलाते रहते। जो वेल डिजर्विंग प्लेयर होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको इनको लाना चाहिए। जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं, पर्चियों को नहीं लाना चाहिए, पर्चियों को ही तो लाते हैं, असल मसला यही है। खैर बहुत ज्यादा इन पर बात हो गई, अब तो बस टाइम है, अभी भी सुधर जाए, अभी भी टाइम है। बॉलर्स को थोड़ी बहुत गाइड कर दें या फिर उनको हारिस रूफ को आप रिप्लेस कर शाना और जानिया मोहम्मद वसीम जूनियर को आप एक बार लेके तो आए। आपको हर चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है, बस इतना ही बोलना था मुझे बस बॉलर्स पर। और बस बॉलर ने बहुत ज़्यादा रन दिए और पाकिस्तान ने अच्छा खासा मैच साउथ अफ्रीका को ये लोग यूं करके हाथ में पकड़ा दिया मैच है। फिर आज के मैच की भी अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो बांग्लादेश वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के दरमियान हुए। बांग्लादेश ने इस मैच को जीत लिया 83 रन से, पूरा का पूरा क्रश कर दिया उन्होंने पापुआ न्यू गिनी को। क्या विद द बैट विद द बॉल, शकीब अल हसन ने ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने 46 रन बनाए 37 बॉल्स पर, क्रूशल मोमेंट पर उन्होंने रन बनाए। और फील्डिंग तो बड़ी शानदार थी पापुआ न्यू गिनी की, ऐसे ऐसे डाइविंग कैचेस किए थे उन्होंने। और दूसरी इनिंग में तो शकीब अल हसन ने 4 विकेट ली, 9 रन देकर 4 ओवर में इकोनॉमिकली एक स्पेल कराए उन्होंने। भाई मज़ा ही आ गया उनकी बॉलिंग देखकर, पूरे बांग्लादेश की बॉलिंग ही देखकर, क्योंकि उन्होंने 97 पे पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था 20 ओवर्स में। उन्हें बिल्कुल भी ये रन बना ही नहीं पाए और ऐसे बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुका है सुपर 12 पे। अब जो मुकाबला होगा ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड का, अब जो भी जीतेगा उन दोनों में से वही आ पाएगा, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड बुरे रन रेट से हारता है तो वो भी बाहर हो जाएगा, अगर ओमान हारता है तो तब भी वो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि ओमान के 2 पॉइंट्स हैं स्कॉटलैंड के 4। अगर ओमान जीतता है तो उनकी बराबरी पे आ जाएगा और फिर रन रेट को देखा जाएगा। अगर स्कॉटलैंड जीत जाता है तब तो वो जाएगा ही जाएगा ओमान और पापुआ न्यू गिनी। खैर पापुआ न्यू गिनी तो बाहर हो चुके हैं, बस ओमान और स्कॉटलैंड का बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जान लड़ाएंगे सुपर 12 में आने के लिए। इसी मैच की वीडियो के सभी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स और क्विक रिटिव शॉपिंग जरूर शेयर कर दीजिएगा।